नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज की खास खबर में आपका स्वागत है। आपको इंतजार था लंबे अरसे से कि कांग्रेस क्या कर रही है, खासतौर से कैंट की सीट पर, शहर सीट पर, मिथरी, भोजीपुरा और फरीदपुर सीट पर किसे उतारने जा रही है। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। भोजीपुरा से सरदार खां को उतारा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है कैंट की सीट। यहां पर बड़ा दिलचस्प कांग्रेस ने फैसला लिया है। कभी कांग्रेस के टिकट पर लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव लड़ने की हाजी इस्लाम बब्बू पार्षद, वो मजबूर होकर परेशान होकर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व पार्षद सुप्रिया एरन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुप्रिया एरन खुद समाजवादी पार्टी में चली गई और समाजवादी पार्टी का टिकट ले आई। अब हाजी इस्लाम बब्बू ने भी अपनी घर वापसी कर ली है और वो कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी हो गए हैं। दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक सूची जारी की है जिसमें हाजी इस्लाम बब्बू का कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बताया गया है, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं शहर विधानसभा सीट से कृष्णकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जो बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, घनश्याम शर्मा के भाई हैं। मिथरी सीट से, जहां आपको ध्यान होगा कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के पप्पू भड़तौल हुआ करते थे, उनका टिकट काटकर उनकी जगह राघवेंद्र शर्मा को चुनाव लड़ाया गया है। इस सीट पर अलका सिंह चुनाव लड़ेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आई है, जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर बीते दिनों कांग्रेस पार्टी शामिल ज्वाइन की थी। फरीदपुर से डॉक्टर सियाराम सागर के बेटे चुनाव लड़ेंगे। ये वही सियाराम सागर है जो बीते दिनों परलोक गमन कर गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे। उनके बेटे हैं विशाल सागर, टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, टिकट नहीं हुआ। पूर्व विधायक विजय पाल सिंह को जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया तो विशाल सागर ने भी अब कांग्रेस का साथ पकड़ा है, कांग्रेस का हाथ पकड़ा है, उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब देखना ही यह है कि सारे राजनीतिक दलों के पत्ते खुल गए हैं। कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संजीव अग्रवाल प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से हाजी इस्लाम बब्बू घोषित हो गए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया एरन, शहर विधानसभा से डॉक्टर अरुण कुमार लड़ेंगे चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, उनके मुखालिफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल, पार्षद दल के नेता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा अब के शर्मा शहर विधानसभा से कांग्रेस का पंजा लेकर पहुंच रहे हैं। सरदार खां भोजीपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जहां इस्लाम सागर के बेटे सैजिल इस्लाम अंसारी चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी से विधायक भोरन लाल मौर्या मैदान में है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं। खासतौर से शहर सीट पर माना जा रहा कि हाजी इस्लाम बब्बू अगर दमदारी से चुनाव लड़ते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। परिणाम क्या रहेंगे तो बात का विषय है, फिलहाल दिखाते रहेंगे इन सभी विधानसभाओं से चलकर ग्राउंड जीरो से खास स्टोरियां। आज देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट, जुड़िए गंभीर न्यूज के साथ।